दोस्तों, आज के वीडियो में जानिए मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित जन जन की आस्था का केंद्र, प्राचीन और पावन आत्री माता जी के दिव्य मंदिर की जानकारी, विशेषता और इतिहास के बारे में। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपकी सेवा में निरंतर ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के नीमच जिला मुख्यालय से लगभग 56 किलोमीटर दूर और तहसील मुख्यालय मनासा से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है प्रसिद्ध आत्री माता जी का मंदिर। देवी का ये मंदिर करीब 700 वर्ष प्राचीन है। माँ का ये मंदिर आत्री गांव में स्थित गांधी सागर के जल भराव क्षेत्र में स्थित है। मंदिर के एक और गांव है और मंदिर के तीनों ओर माँ चंबल नदी बहती है। आपको बता दें कि आत्री माता जी को चंद्रावत राजपूतों की कुल देवी माना जाता है। भक्तों की देवी माता के प्रति अघात आस्था, श्रद्धा और विश्वास है। माँ सभी की मुरादें अपने दिव्य दरबार में पूरा करती है। आत्री माताजी मंदिर की सबसे प्रमुख विशेषता है कि यहाँ मन्नत पूरी होने पर भक्त अपनी जीभ माताजी के चरणों में अर्पित कर देते हैं और 9 दिन में कटी हुई जीभ वापस आ जाती है। और इस परंपरा की शुरुआत साल 1964 में आत्री गांव के ही गुलाब मेघवाल जी ने की थी और ये सिलसिला साल दर साल निरंतर जारी है। दोस्तों, माँ आत्री निसंतानता का कष्ट हरती है। देवी माँ के मंदिर के पिछले हिस्से में संतान की कामना के साथ महिलाएं उल्टा स्वास्तिक बनाती है। मन्नत पूर्ण होने पर महिलाएं पुनः मंदिर आती है और सीधा स्वास्तिक बनाकर देवी माँ को धन्यवाद ज्ञापित करती है। दोस्तों, ग्रामीण बताते हैं कि देवी माँ के दिन भर में 3 रूप दिखाई देते हैं। सुबह देवी माँ बाल्यावस्था में, दोपहर में युवावस्था में और शाम को वृद्धा अवस्था में अपने भक्तों को दर्शन देती है। आत्री माताजी मंदिर के विषय में एक और दिलचस्प बात है। जो व्यक्ति पुजारी के घर गोद आता है, वही देवी माता की मंदिर में पुजारी के रूप में पूजा अर्चना करता है। दोस्तों, बात करें आत्री माताजी के मंदिर के इतिहास की, तो इस मंदिर का इतिहास क्षेत्र में ही स्थित प्राचीन रामपुरा नगर से जुड़ता है। इतिहासकारों के अनुसार विक्रम संवत 1327 में तत्कालीन रामपुरा रियासत के राव सेवा खिमाजी द्वारा 7,333 रुपये की लागत से मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आत्री माताजी का मंदिर करीब 700 वर्ष पुराना है। जगत जननी जगदम्बा दक्षिण दिशा में हनुमान घाट से मंदिर में आकर विराजमान हुई है। आज भी हनुमान घाट के पत्थर पर माताजी के वाहन के पदचिन्ह अंकित हैं। यहाँ पूजा अर्चना होती है। देवी स्वयं प्रतिष्ठित हुई है और भैंसावरी माता के रूप में जानी जाती है। गर्भगृह में शेर की सवारी पर माँ की दिव्य प्रतिमा सुशोभित है और अपने सुरम्य रूप में अवस्थित है। दोस्तों, आत्री माताजी का मंदिर अपने धार्मिक सौंदर्य के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता के दर्शन भी हमें करवाता है। यहाँ पर बोट या पानी की नावें चलती है, जिसकी सवारी का आनंद भी आप यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। माँ आत्री के साथ साथ माँ चंबल का आशीर्वाद भी आप यहाँ ले सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के शुभ अवसर पर यहाँ भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें दूर दूर से भक्त शामिल होने के लिए आत्री माताजी पहुँचते हैं।
माता जी के इस प्राचीन मंदिर में प्रतिदिन श्रद्धालु अपनी आस्था समर्पित करते हुए नजर आते हैं, लेकिन शारदी और चैत्री नवरात्रि पर ये संख्या और अधिक बढ़ जाती है। दोनों ही नवरात्रि पर माता जी का विशेष श्रृंगार, पूजा अर्चना, हवन और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। दोस्तों, आत्री माता जी का मंदिर प्रतीक है हमारी भक्ति, आस्था और माँ के प्रति हमारे विश्वास का। ये दिव्य मंदिर प्रतीक है हमारे गौरवशाली अतीत और महान इतिहास का। हमें उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए स्थान की जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय मालवा, जय हो महामाया आत्री माता जी की।